प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गुड यूनिट मॉर्निंग सर। फर्स्ट। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यूनिट फर्स्ट सर अटेंडेंस ले आपका, लो। अटेंडेंस अभी आएंगे बच्चे तभी लेंगे, अभी नहीं तो सभी के छूट। ओके ओके सर, ओके। तो यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है और यूनिट टू में स्टार्ट करेंगे। उसमें प्रोजेक्ट अप्राइजल है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, कैसे प्रोजेक्ट का अप्राइजल करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, उसमें ये मेथोडोलॉजी आपको दिया हुआ है। तो हर एक मेथोडोलॉजी के बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें यूनिट टू का जो पहला टॉपिक है गो नो गो डिसीजन है, कि प्रोजेक्ट को करना है नहीं करना है, प्रोजेक्ट कहीं पे लगाना है नहीं लगाना है। तो ये सारे रीजंस यहां पर आपको दिए हुए हैं कि किसी प्रोजेक्ट का डिसीजन गो नो गो डिसीजन, आपको प्रोजेक्ट का क्या होता है। उसमें प्रोजेक्ट के क्वेश्चनियर बनाते हैं और क्वेश्चनियर को जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंचार्ज होता है वो फिलअप करके उसको उसको सबमिट करता है कि प्रोजेक्ट को किया जाए कि प्रोजेक्ट को नहीं किया जाए। ये आपको गो नो डिसीजन है किसी प्रोजेक्ट को लगाने का। तो ये आपको यहां पर दिया हुआ है प्रोजेक्ट का डिसीजन का, कैसे प्रोजेक्ट का डिसीजन करेंगे, प्रोजेक्ट का चेक करेंगे कि उसका यूजर नीड है कि नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट बनाती है या सर्विसेज देती है वो पीपुल के लिए कितना आपको हेल्पफुल है, पीपुल उसको यूज करेगा नहीं करेगा, ये आपको जरूरी है। यूजर नीड्स को डिफाइन करना, यूजर नीड्स को आइडेंटिफाई करना आपको जरूरी है आपको किसी प्रोजेक्ट का डिसीजन के लिए। मार्केटिंग नीड्स को पकड़ना जरूरी है, इसके लिए मार्केट एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। ये मार्केटिंग नीड्स है, मार्केटिंग नीड्स के बिना, डिमांड के बिना कोई भी प्रोजेक्ट आपका सक्सेस नहीं होगा। जब तक कि मार्केट नीड नहीं है, कस्टमर का नीड नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, आपके प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, आपके डिमांड का, आप जो सर्विस देते हैं उसका डिमांड नहीं है, तो आपका प्रोजेक्ट आपको सक्सेस नहीं करेगा। ये मार्केटिंग नीड्स है। कस्टमर सर्विस नीड्स, कस्टमर सर्विस नीड्स होना चाहिए। कस्टमर को एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। कस्टमर से कंप्लेन जो है आपको नहीं आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो आपको फेल करता है यहां पर आपको कस्टमर के कंप्लेन बहुत आते हैं, और बिजनेस जो प्रोजेक्ट का ओनर है वो ध्यान देता नहीं है और बिजनेस आपको फेल कर जाता है। तो कस्टमर का जो सर्विस है, सर्विस इंस्टीट्यूशन के लिए खास करके, सर्विस का जो आपको सर्विस ओरिएंटेड है, जितने आपके जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, इसमें कस्टमर कंप्लेन को ज्यादा आपको जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी आपको हॉस्पिटल नहीं चल रहा है इसका मतलब जरूर कस्टमर कंप्लेन पे आपने ध्यान नहीं दिया है, वो आपको कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड आपको होना चाहिए। आपका कोई भी कॉलेज बंद हो रहा है इसका मतलब है कि आपने कस्टमर कंप्लेन पे ध्यान नहीं दिया है, उसी से आपका जो है ये आपको बंद हो रहा है। क्या क्या कंप्लेन आ रही है आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, उसी से बंद हो रहा है। तो कस्टमर सर्विस, एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करके ही आपको बिजनेस किया जा सकता है। बिजनेस का ये स्ट्रेटजी है, यू प्रोवाइड द एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। आपके पास सारे चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारे आपको गो नो गो डिसीजन के जो क्रिटेरिया है वो आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। टेक्निकल कंसिडरेशन, टेक्निकली आपको फिट होना चाहिए, सुपर फिट होना चाहिए। हर एक तरह की मशीनरी आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है हर एक तरह का मशीनरी आपको होना चाहिए, टेक्निकली साउंड होना चाहिए। टेक्निकली साउंड होकर के ही मल्टीनेशनल कंपनी अपना जो है प्रभुत्व दूसरे
दूसरे देशों में वो आपको पहुंचा लेता है, क्योंकि वो टेक्निकली साउंड होते हैं। तो टेक्निकल कंसिडरेशन मेन कंसिडरेशन है, जिसके कारण जो है आपको मल्टीनेशनल कंपनी आपको जो है आपको पूरे वर्ल्ड में आपको छा रहे हैं। फोर्ड का या किसी दूसरे कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, यूनिलीवर है, क्यों कर रहा है ये, आपको टेक्निकल ही वो टेक्निकली साउंड है। टेक्निकल साउंड की वजह से वो जो है छोटे छोटे सभी देशों में अपना जो है प्रोडक्ट और सर्विस आपको कैप्चर कर ले रहे हैं। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो है कंपनी टेक्निकली साउंड है कि नहीं है, कंपेटिबली दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे हमारा साउंड है कि नहीं है, ये आपको टेक्निकल कंसिडरेशन आपको देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल नीड्स आपको देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है आपका कंपनी की नहीं है। हर एक तरह की रिक्वायरमेंट जो आपको डे टू डे आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आपके रिकरिंग डिपॉजिट है, वो आपको आपको मैनेज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियली आपके जो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपको कंपनी कर रही है नहीं कर रही है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपको कंपनी कर रही है नहीं कर रही है। तो ये फाइनेंशियल नीड्स को आपको कंपनी का पकड़ना आपको जरूरी है कि तभी आप जो है डिसीजन आप जो है ले पाएंगे। लीगल नीड्स, लीगल के वजह से भी जो है लॉ के वजह से भी बहुत सारी कंपनियां फेल हो जाती है। लीगली कंपनी वायबल है या नहीं है उसको चेक कीजिए, इकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत आ रहा है उसको आप चेक कीजिए। तो लीगली आपको वायबल है कंपनी कि नहीं है, आपको लीगली कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, आप इलीगल रूप से ज्यादा दिन तक कंपनी नहीं चला सकते हैं जब तक कि आपको पूरा लाइसेंसिंग या हर एक तरह का से जो है लाइसेंस आपको पता नहीं चल जाता है तो आपको कंपनी नहीं चला सकते हैं। तो लीगल नीड्स आपको जरूरी है। अगला है सेल्स नीड, सेल्स नीड आपको जरूरी है। सेल्स आपको डे टू डे आपको इंक्रीज होना चाहिए, एक्सपोनेंशियली आपको इंक्रीज होना चाहिए, तभी आपका कंपनी जो है वायबल होगा। तो ये आपको किसी प्रोजेक्ट के डिसीजन के लिए ये आपको ये जो सात बेसिक जो रीजंस हैं, सात बेसिक क्राइटेरिया आपको नो गो डिसीजन का आपको आपको दिया हुआ है कि इन सातों क्राइटेरिया पर आप जो है क्वेश्चनियर बनाइए और उसको चेक कीजिए कि ये सातों क्राइटेरिया आपको फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है आपके कंपनी के लिए, आपकी कंपनी एक्सलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है, आप उसको चेक कीजिए। दूसरा टेक्निकल कंसिडरेशन आप चेक कीजिए कि टेक्निकली आपका कंपनी आपको फिट है कि नहीं है, सारी तरह की मशीनें आपको फिट है कि नहीं है, आप जो है मार्केट में कम से कम प्राइस में आप सामान दे पा रहे नहीं पा रहे, आपके यहाँ ऑटोमेटिक मशीनें हैं कि नहीं है। तो ये आपको ये सारे सात क्राइटेरिया आपको गो नो गो डिसीजंस के बारे में आपको बताता है। ये गो नो डिसीजंस के बारे में आपको ये सात क्राइटेरिया आपको जो है आपको बताता है कि कैसे जो है आपको गो या नो गो डिसीजन आपको आपको करना है। इसी सातों क्राइटेरिया पर जो है आप जो डायरेक्टर है, जो प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टर होगा वो आपको क्वेश्चनियर बनाएगा, ही विल फ्रेम द चेक पॉइंट गो नो चेक पॉइंट ऑफ द एंड एनालिसिस। ये सातों जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसी पर बेस्ड जो है गो नो चेक पॉइंट एंड ऑफ द एनालिसिस जो प्रोजेक्ट का मेन डायरेक्टर है आपको वो बनाएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है प्रोजेक्ट का वो आपको यहाँ पर आपको बनाएगा और यहाँ पर आपको उसको रिपोर्ट वो सबमिट करेगा कि प्रोजेक्ट में गो नो डिसीजन आपको क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट नंबर लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट का नेम लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, डिलीवरी मैनेजर कौन सा है, और ये सारे क्वेश्चनियर आपको वहां पर आपको बनाए हुए हैं। ये जो सात क्राइटेरिया जो मैंने बताया, सातों क्राइटेरिया पे बेस्ड जो है आपके ये क्वेश्चनियर आपको 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 वहां पे बनाना होगा। दे हैव टू मेक ए क्वेश्चनियर, ये क्वेश्चनियर आपको दिखाया जा रहा है, उसके बाद आपको
यहाँ पे एस्टिमेटेड हिस्ट्री आपको, यहाँ पे प्रोजेक्ट हिस्ट्री आपको बताना पड़ेगा। रिकमेंडेशन टू पुट प्रोसीड टू द डिजाइन स्टेज, आपको रेकमेंड करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ पर आप उसको आपको मार्क करेंगे, फिर जो है प्रिपेयर्ड बाय द डिलीवरी मैनेजर आपको यहाँ पर साइन करेगा कि प्रोजेक्ट का आपका क्या होगा। उसके बाद जो डिलीवरी डायरेक्टर है वो साइन करेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साइन करेगा कि प्रोजेक्ट का गो नो गो डिसीजन, आपको क्या करना है प्रोजेक्ट का। तो आपको प्रोजेक्ट का जो फाइनल चीजें हैं आपको यही आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चनेयर आपको आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चनेयर को जो है आपको जो ये 7 पॉइंट बताए गए, 7 पॉइंट पे आपको क्वेश्चनेयर आपको फ्रेमवर्क करके आपको कितना फिट बैठ रहा है कोई प्रोजेक्ट, ये आपको उसमें आपको डील करना पड़ेगा, है ना। तो यही जो गो नो गो डिसीजन है, यही मेनली आपको जो गो नो गो डिसीजन है, आपको यही आपको गो नो गो डिसीजन है, ये आपको 7 क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, 7 क्राइटेरिया पे बेस्ड आपको जो है क्वेश्चनेयर बनाना है। क्वेश्चनेयर का चेक पॉइंट आपको सैंपल यहां पर आपको दिया हुआ है, ये प्रोजेक्ट वाइज आपको वैरी करेगा, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट का क्वेश्चनेयर आपको अलग होगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम होगा, डिलीवरी मैनेजर का नाम होगा, और ये सारे गो नो चेक पॉइंट आपको यस नो रेस्पॉन्स में आपको कमेंट के साथ आपको यहाँ पर आपको देना होगा। हैव द ऑल पोटेंशियल रिस्क बीन आइडेंटिफाइड, इफ नो आइडेंटिफाई द एडिशनल रिस्क, क्या क्या प्रोजेक्ट के रिस्क है वो आइडेंटिफाइड किए गए हैं नहीं किए गए हैं, इसमें आप यस नो आप उसको कीजिए और उसको आप इसको कीजिए। इज द वेंडर परफॉर्मिंग एक्सपेक्टेड, वेंडर परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, इफ नॉट आइडेंटिफाई एनी इशू और द कंसर्न यस नो आप उसको दीजिए। वेंडर मैनेजमेंट आपको किसी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, कोई भी कंपनी आपको सारा सामान खुद नहीं बनाती है, मारुति भी आपको सारा सामान खुद नहीं बनाती है। वेंडर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आपको इंपॉर्टेंट है, वो दूसरे कंपनी को ऑर्डर देती है, दूसरे कंपनी को ऑर्डर देती है। तो वेंडर परफॉर्म कर रहे नहीं कर रहे, वेंडर्स उसके हैं कि नहीं है, वो सारे कितने वेंडर्स हैं, उसको वेंडर आइडेंटिफिकेशन कहता है कैसे हो रहा है, वेंडर रिलेशनशिप कैसे हो रहा है, ये सारा उसको आपको आपको आइडेंटिफाई किया गया है नहीं किया गया है, ये सारा उसको आप उसको देखते हैं कि यस किया गया है या नो किया गया है, उसके कमेंट आप दीजिए। वेंडर मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑफ द कंपनी, वेंडर मैनेजमेंट के बिना कंपनी चलेगा ही नहीं। मारुति सिर्फ जो है वो असेंबल करती है पार्ट्स का, वो वेंडर से जो है वेंडर को ऑर्डर देती है और वहां पर जाकर के उसके वेंडर कंपनी में जाके ऑडिट करके सारा पता करती है कि उसके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि नहीं करने के लिए, उसके पास सारे मशीनें है कि नहीं करने के लिए, उसके पास जो है मेन पावर है कि नहीं करने के लिए, ये सारा वो चेक करती है, वेंडर का वो सारा चेक करती है, तब जो है वेंडर को उसको ऑर्डर मिलता है कि उसको चेक करके बताए कि वहां पर सारा काम उसका है कि नहीं। तो वेंडर परफॉर्मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो ये सारे क्वेश्चनेयर आपको आपको यहां पर आपको डेवलप करना पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट वाइज आपको अलग होगा। हैज द क्लाइंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर बीन एंगेज्ड कमिटेड थ्रू आउट दिस स्टेज, ये आपको है कि नहीं है। आर देयर एनी कंसर्न विद द क्लाइंट एबिलिटी इन द फ्यूचर प्रोजेक्ट स्टेज, आर देयर एनी रीजंस व्हाई दिस प्रोजेक्ट शुड नॉट प्रोसीड टू द नेक्स्ट एसडीएल स्टेज, ये सारे आपको रेस्पॉन्स आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को आपको भरना पड़ेगा और उसको सबमिट करना पड़ेगा। यही यू आपको गो नो गो आपको डिसीजन है, ये आपको गो नो गो डिसीजन है। और आपको एस्टिमेटेड हिस्ट्री आपको बतानी पड़ेगी कि कितने बार जो है प्रोजेक्ट को बनाया गया है, प्रोजेक्ट को किया गया है। हिस्ट्री किसी भी कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, उस कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कितना बार वो
आपको वेंडरशिप ले रखा है, कितना बार जो है वेंडरशिप उसका खत्म हुआ है, ये आपको एस्टिमेटेड हिस्ट्री आपको आपको जरूरी है। और फिर उसके बाद आपको डिलीवरी मैनेजर का आपको साइन होगा और देन रिव्यूड एंड अप्रूव होगा, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर आपको आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस पर साइन करके अप्रूव करेगा कि प्रोजेक्ट जो है आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में ये आपको साइन होगा कि जो है प्रोजेक्ट को किया जाए कि नहीं किया जाए। कोई भी कंपनी को जो है ये आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो आपको यूनिट टू में आपको नो गो डिसीजंस आपको बताया जा रहा है कि ये सारे आपको डिसीजंस आपको जो है आपको करना होगा, है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में ये एक्सरसाइजेज आपको किया जाता है, किक ऑफ द प्रोजेक्ट विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ में प्रोजेक्ट को किया जाए कि नहीं किया जाए, डॉक्यूमेंट हाई लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ में हाई लेवल रिक्वायरमेंट आप उसको कीजिए, है ना। बालपार के सॉल्यूशन एंड एस्टिमेट, परफॉर्म ए फॉर्मल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन टू ए टेक्नोलॉजी काउंसिल, टेक्नोलॉजी काउंसिल को आप जो है फॉर्मल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आप उसको दीजिए कि प्रोजेक्ट जो है आपको किस तरह का है, वो आपको वायबल कर रहा है नहीं कर रहा, ये सारा आपको जो है यूनिट टू में गो नो गो डिसीजन में आपको जो है वो आपको करना है। गो नो गो डिसीजन में आपको जो उसमें प्रोजेक्ट हैज अ गुड टाइम टू आस्क अबाउट द इज द प्रॉब्लम इज द वर्थ सॉल्विंग, डज ए पोटेंशियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द प्रॉब्लम और नॉट, आर वी गोइंग फॉर द प्रोजेक्ट इन द राइट वे और नॉट, डज दिस फॉल इन लाइन और ओवरऑल कंपनी गोल्स एंड द मिशन, कंपनी का जो गोल है कंपनी का मिशन है वो आपको फुलफिल होगा या नहीं होगा, जो कंपनी का गोल है कंपनी का मिशन है वो आपको फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना है। कंपनी का जो मारुति का जो गोल है वो अपना वेंडर के साथ में देखती है कि उसका मिशन उसको कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा वो चेक करती है, ये आपको वेंडर मैनेजमेंट का आपको काम है। अबाउट दिस द कंपनी, सर अटेंडेंस हो गई? नहीं, अटेंडेंस अभी नहीं हुआ है। अच्छा सर, कितनी देर में लोगे सर? अभी सारे बच्चे आ जाएं तो अब आ गए, सारे बच्चे आ गए, आप ले लेते हैं। आ गए सर, आ गए सारे, आ गए। हाँ ठीक है, मैं ले लेता हूँ। सारे बच्चे आ गए सर, ले लो। हाँ ले लेता हूँ। सर रोल नंबर 9। हाँ अभी ले रहे ले रहे। सर रोल नंबर 3। एक एक करके ले रहे रे, सारा ले रहे। आकाश ले लो सर, इज प्रेजेंट। यस सर। चिराग सैनी जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। शेखर जी 41 इज प्रेजेंट। राखी जी 37 इज प्रेजेंट। यस सर। अभिषेक कुमार दुबे 2 इज प्रेजेंट। अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट। आशीष जी 7 इज प्रेजेंट। चंदन सा 8 इज प्रेजेंट। चिराग सैनी जी 9 इज प्रेजेंट। गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट। हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट। हृदेश परासर जी 19 इज प्रेजेंट। जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट। कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट। कौशल जी 25 इज प्रेजेंट। नंदिनी जी इज प्रेजेंट। राहुल जी 32 इज प्रेजेंट। रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट। ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट। जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट।
मैं अटेंडेंस फिर से सभी का बोल देता हूं। जैनेस चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट, राहुल जी 32 इज प्रेजेंट, नंदनी जी इज प्रेजेंट, कौशल जी 25 इज प्रेजेंट, कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट, जैनेस चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, हृदेश परासर जी 19 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, चिराग सैनी जी 9 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे 2 इज प्रेजेंट, राखी जी इज प्रेजेंट, 41 शेखर जी इज प्रेजेंट। ये सभी प्रेजेंट हैं और हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको गो नो गो डिसीजन हम लोग कर रहे थे, तो उसमें आपको जस्टिफिकेशन किया जाता है, प्रोजेक्ट का जस्टिफिकेशन किया जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी को चेक किया जाता है। व्हाट इज द फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना फिजिबल है, कितना वायबल है हमारा प्रोजेक्ट लगाना, उसको कंटिन्यू करना, ये उसको चेक किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है। जस्टिफिकेशन पहले किया जाता है, नहीं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके आपके जो है, आपको कई कारण है, जो कारण है मैं आपको पहले ही आपको बता दिया कि इन कारणों से प्रोजेक्ट जो है आपको फेल कर जाता है, तो ये आपको जस्टिफाई किया जाता है और फिजिबिलिटी स्टडी किया जाता है। और प्रोजेक्ट का क्या बेनिफिट है आपको प्रोजेक्ट का, वो आपको चेक किया जाता है। प्रोजेक्ट में आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशन आपको आना जरूरी है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो आपको आना जरूरी है, तभी कोई भी प्रोजेक्ट जो है आपको लगाएगा कि उसमें आपको मनी जो है मेन रोल आपको आपको अदा करता है और उसमें जो है आपको रिटर्न, आपको रेट ऑफ रिटर्न आपको आना जरूरी है, बेनिफिट कंपोनेंट आपको आना जरूरी है, कॉस्ट को आपको निकालना आपको आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में आपको जरूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन किया जाता है। व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन इन द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, ये आपको किया जाता है। नीड टू एस्टैब्लिश द सेटिस्फाइंग द नीड्स आर द, जितने भी तरह के प्रोजेक्ट हैं वो आपको किस तरह सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आपको चेक किया जाता है। इनपुट ऑफ द इंडिविजुअल वो आपको चेक किया जाता है। फॉर्चुनेट इनफ टू द प्रोजेक्ट इवोल्यूशन आपको वो चेक किया जाता है। बिल्डिंग ए टीम वर्क फॉर द प्रोजेक्ट वो आपको चेक किया जाता है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के जितने भी आइडेंटिफाई वे है उसका जो है आपको लिस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस वो आपको निकाला जाता है। दिस प्रोसेस इज ग्रेटली इनहांस्ड इन द फॉलोइंग वेज, डू इट इन ए टीम एनवायरमेंट, इंक्लूड द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड यूज द ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, ये सारे मेथड उसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालने में आपको चेक किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का मतलब है जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफिस में पर्सन है सभी को बुला करके वो जो है आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है, सभी से ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है कि प्रोजेक्ट का आपका सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपका क्या है। एक टीम एनवायरमेंट जो है जनरेट करके प्रोजेक्ट के बारे में आपको चेक किया जाता है कि प्रोजेक्ट जो है आपको टीम एनवायरमेंट में हर एक टीम मेंबर्स आपको क्या क्या कह रही है, स्टेक होल्डर्स क्या क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द मैटर ऑफ द एक्सपर्ट्स आर देयर, स्टेक होल्डर्स आपको क्या क्या कह रहे हैं उसके बारे में आपको जो है चेक किया जाता है। रीजनेबल अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं उसको आपको चेक किया जाता है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को आपको चेक किया जाता है। फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन इन द केस ऑफ द गो नो गो डिसीजन इज द इंपॉर्टेंट वन, देन द सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव।
आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करके वो आपको पता किया जाता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव जो है आपको कौन सा प्रोजेक्ट का आपको आपको कौन सा है आपका जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपको कौन सा है इसमें आपको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपको प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या क्या है, बजट कॉन्स्टेंट आपको है कि नहीं है, स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट आपको है कि नहीं है, ये सारे आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए आपको चेक किया जाता है। ना तो ये जो आपका यू आपका गो नो गो डिसीजन है, गो नो गो डिसीजन में आपको यही आपको जो है आपको किया जाता है स्क्रीनिंग किया जाता है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके स्क्रीनिंग किया जाता है, उसके जो है बेस्ट अल्टरनेटिव को पोटेंशियल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को आपको निकाला जाता है। फाइनेंशियल गेन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉन फाइनेंशियल गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको चेक किया जाता है। इसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको निकाला जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको निकाला जाता है और द फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन आपको जो है आपको निकाला जाता है। नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरिया आपको क्या क्या है, ये आपको फाइनेंशियल क्राइटेरिया आपको क्या क्या है, ये सारे आपको आपको जो है निकाल करके आपको जो है बेस्ट अल्टरनेटिव आपको चेक किया जाता है। व्हाट आर द फाइनेंशियल क्राइटेरिया आर देयर टू डिसाइड द बेस्ट अल्टरनेटिव, व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरिया आर देयर टू डिसाइड द बेस्ट अल्टरनेटिव, और गो नो गो डिसीजन में आपको यही आपको किया जाता है। पहला आपको जो है पहला आपको जो मैंने आपको बताया कि गो नो गो डिसीजन में आपको ये सात क्राइटेरिया है, सातों क्राइटेरिया में क्वेश्चनियर फ्रेमवर्क किया जाता है, सातों क्राइटेरिया में क्वेश्चनियर फ्रेमवर्क किया जाता है और उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में क्वेश्चनियर फ्रेमवर्क करके ये सारे क्वेश्चनियर आपको बनाए जाते हैं और उसको यस नो हमें आपको जवाब देना पड़ता है और उसके कमेंट्स आपको लिखने पड़ते हैं, ये आपको आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में आपको होता है। टाइम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको किया जाता है, आपको किया गया है नहीं किया गया, व्हाट कंसीडरेशन गिवन टू द इंपैक्ट ऑफ द चेंज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको आपको क्या चेंज दे रहा है, बिजनेस रीइंजीनियरिंग आपको किया गया है नहीं किया गया है इसके बारे में आपको बताया जाता है। तो ये क्वेश्चनियर डेवलप किए जाते हैं, क्वेश्चनियर को डेवलप करके यस नो जो है आपको क्या आपको आपको करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन रेडीनेस कितना है, कैपेसिटी टू डिलीवर कितना है, हैव ऑल द पोटेंशियल रिस्क बीन आइडेंटिफाइड, ये आपको करना पड़ता है, वेंडर परफॉर्मिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारे चेक पॉइंट पे यस नो पे आपको जो है साइन करके आपको जो है यस नो गो डिसीजन में आपको सभी का आपको यहाँ पर साइन करके आपको सबमिट करना पड़ता है, ये आपको गो नो गो डिसीजन है। जो गो नो गो डिसीजन होगा, जो मैंने आपको सात क्राइटेरिया बताया उसको भी हम लोग अभी डिटेल से आपको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे, ये सात क्राइटेरिया आपको क्या क्या है, इसके जो क्वेश्चनियर है ये यहाँ पर सैंपल आपको दिया हुआ है और यहाँ पर आपको साइन करके ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है कि यही आपका जो है आपको गो नो गो डिसीजन में आपको यही होता है। गो नो गो डिसीजन में आपको हर एक तरह की फिजिबिलिटी को चेक किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट को चेक किया जाता है, जस्टिफिकेशन किया जाता है। व्हाट आर द इशू ऑफ द जस्टिफिकेशन आर देयर, प्रोजेक्ट को जहां पर आपको रिस्क ऑफ द वेस्टिंग टाइम एंड मनी ऑन द प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहा है, वो आपको चेक किया जाता है कि आपका प्रोजेक्ट में आपको इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या है, वो सारा आपको चेक किया जाता है। प्रोजेक्ट के सारे इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या आपको क्या क्या है, वो आपको चेक किया जाता है। है ना, तो ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जस्टिफाई किया जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी को चेक किया जाता है और फिर जो है जो आपके आपके बेस्ट सॉल्यूशन है उसको निकाला जाता है और सबसे जो बेस्ट अल्टरनेटिव है प्रोजेक्ट का उसको जो है आपको डिसाइड करके उसको उसको सेलेक्ट किया जाता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। बेस्ट सॉल्यूशन आपको निकाला जाता है और फिर जो है आपको फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन वो आपको जो आपको आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपको जो है
आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है उसमें आपको चेक किया जाता है, रीजनेबल अल्टरनेटिव्स को आपको चेक किया जाता है, मैटर ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स को आपको यूज किया जाता है, सेटिस्फाइंग द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ये आपको यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल्स आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देन सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव को आपको सेलेक्ट किया जाता है, आइडेंटिफाइंग थ्रू द प्रोसेस लाइक द ब्रेन स्टॉर्मिंग से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है बेस्ट अल्टरनेटिव को आपको सेलेक्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, लिस्ट ऑफ द कंपेयरिंग द ईच अल्टरनेटिव अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया वो आपको किया जाता है ना, प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के लिए आपको किया जाता है, प्रोसेस ऑफ द सिलेक्टिंग ऑप्टिमम सॉल्यूशन बिगिंस बाय वैल्यूएटिंग द ईच अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ईच अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन वो आपको निकाला जाता है, shorten the list of the potential attractive solution to a manageable number, ये आपको किया जाता है, आपको financial criteria क्या क्या है, non financial criteria क्या क्या है उसको आपको check किया जाता है, cost benefit analysis किया जाता है, net present value आपको निकाला जाता है और project का आपको वो सारी चीजें आपको decide किया जाता है, यही आपको जो no go decision है आपको यही आपको no go go decision है, जो आपको मेनली जो डिसीजन क्राइटेरिया है यही आपको डिसीजन क्राइटेरिया है और इसी का आप जो प्रोजेक्ट अप्राइजल पढ़ेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन पढ़ेंगे इसी डिसीजन क्राइटेरिया पर पे बेस्ट आप जो है बेस्ट जो है आप जो है डिसीजन क्राइटेरिया आप जो है पढ़ेंगे, यूजर नीड्स प्रोजेक्ट क्या 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 है ये आपको इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द यूजर नीड्स आर देयर, पीपुल के लिए आपको कितना फ्रूटफुल है कोई भी प्रोजेक्ट कितना ज्यादा फ्रूटफुल है उसको आपको आपको क्वेश्चनर बना करके उसको चेक करने की जरूरत है, मार्केटिंग नीड्स कितना है, मार्केट में नीड है कि नहीं है, मार्केट में डिमांड उसका है कि नहीं है ये उसको चेक करने की आपको जरूरत है कि मार्केट में आपको कितना डिमांड है, एक्सलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है, कोई भी प्रोजेक्ट फेल हो रहा है कोई भी कंपनी फेल हो रहा है वो उसका कारण यही है कि एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस नहीं है, उसने कस्टमर सर्विस कस्टमर के कई कंप्लेन आते हैं कंप्लेन धीरे धीरे आते हैं फिर वो मार्केट में फैल जाता है और फिर मार्केट में फैलने के बाद वो आपको आपको जो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको बंद हो जाता है, तो एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस पहली रिक्वायरमेंट है किसी चीज का करने का, कोई भी आइटम बनाइए उसका जो आप उसका जो दावा कर रहे हैं कि ये चीजें ये प्रोडक्ट कर रही है वो आपको रीजनेबल कॉस्ट में आपको कर रही है नहीं कर रही है ये आपको चेक करना आपको जरूरी है, टेक्निकल कंसीडरेशन करना बहुत जरूरी है, किसी भी वेंडर के पास सारी मशीनें हैं कि नहीं है ये मेन जो है पॉइंट है, टेक्निकली उसके पास है कि नहीं है, टेक्निकल मेन पावर उसके पास है कि नहीं है, टेक्निकल आपकी सारी मशीनें हैं कि नहीं है, टेक्निकल मेन पावर है कि नहीं है, ये आपको मेन कंसीडरेशन है किसी प्रोजेक्ट का आपको जो है फेल करने का, मल्टीनेशनल कंपनी इसी में आपको जो है आगे निकल जाती है, टेक्निकल कंसीडरेशन के वजह से आपको आगे नहीं आगे निकल जाती है, उसके पास कंप्यूटिव मशीनें होती है वो आपको तुरंत जो है बना करके आपको रेडी करके आपको दे देती है, तो टेक्निकल कंसीडरेशन आपको मेन पॉइंट है किसी चीज में आपको करने का, फाइनेंशियल नीड्स व्हाट आर द फाइनेंशियल नीड्स आर देयर वो कंपनी के पास है कि नहीं है, फाइनेंशियल नीड्स कंपनी के पास है कि नहीं है, जो आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने आपको उसके एक्सपेंसेस आपको कंपनी के पास है कि नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है कि नहीं है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं है इसको चेक करना आपको जरूरी है, लीगल नीड्स लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई किसी तरह का नोटिस तो उसके पास नहीं आ रहा है, उसके पास लीगल जो है नीड्स उसके लिए कोई नोटिस तो उसके पास नहीं आ रहा है, तो लीगल नीड्स उसके पास है कि नहीं है, दूसरा सेल्स नीड्स उसके पास है कि नहीं है, ये जो मेन मेजर क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है और इसी क्राइटेरिया पे आप जो है
जो आगे भी हम क्लास लेंगे उसमें एक ही क्राइटेरिया को चेक किया जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस को चेक किया जाएगा, सोशल एनालिसिस को चेक किया जाएगा, मार्केटिंग एनालिसिस को चेक किया जाएगा, इसी को जो है आगे भी जो है क्लास में उसको जो है आपको चेक किया जाएगा।